अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बेटा दिस इज सैयद नमीर हसन, आई एम योर कोर्स कोऑर्डिनेटर। बच्चों, आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम लोग जो MBBS और BDS पब्लिक यूनिवर्सिटीज के जो एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है और उनका जो जो एडमिशन प्रोसीजर है उसके ऊपर थोड़ी बात करें। अच्छा बेटा, पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो है वो MBBS और BDS इन दोनों के अंदर जो है वो एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। पहली तारीख से 13 तारीख का हमारे पास लास्ट डेट है। देखो, सबसे पहले करना क्या है, हमने जाना है DUHS की वेबसाइट पे। अच्छा, DUHS की वेबसाइट पे मेरे बच्चों क्यों जाना है? असल में मेरे बच्चों, PMC ने सिंध सूबे में बिलखसूस कराची शहर के लिए जिस यूनिवर्सिटी को अपॉइंट किया है ताकि वो एडमिशन के प्रोसेस को कैरी आउट करे, वो है DUHS। ठीक है जी। इसके अलावा जो सिंध की मुख्तलिफ जो जिले के अंदर जो एडमिशन प्रोसेस कैरी होंगे जिन यूनिवर्सिटीज में, उनकी जिम्मेदारी DUHS की नहीं है। वो क्या कहते हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज, दो और यूनिवर्सिटीज एडमिटिंग जो है वो कैरी आउट कर रही हैं, मगर जो कराची के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनके लिए बिलखसूस अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो कराची डोमिसाइल कैरी करते हैं मेरे बच्चों, वो स्टूडेंट्स जो है उनका तमाम काम जो है वो DUHS की वेबसाइट से जाके होगा। अच्छा बेटा, ये आपकी DUHS की वेबसाइट खुल गई है। अब आपने करना क्या है, इसमें बिल्कुल ये नीचे चले जाना है। यहाँ आपको दिख रहा होगा एडमिशन इन MBBS एंड BDS कोर्सेज सिंध प्रोविंस पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट एकेडमिक सेशन 2022-23। इस पे मेरे बच्चों आप लोगों ने क्लिक कर देना है। अच्छा, इस पे क्लिक करते ही मेरे बच्चों इनका एडवर्टाइजमेंट खुल जाएगा। अच्छा देखो, अब आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ मैं, वो जरा गौर से समझना है मेरा बेटा। MBBS का एप्लीकेशन फॉर्म अलग है और BDS का एप्लीकेशन फॉर्म अलग है। इसके अलावा मेरे बच्चों, जो फिजिकल एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा वो भी MBBS और BDS का अलग है। एक तो आपने ऑनलाइन भरना है, MBBS का अलग, BDS का अलग, एक तो ऑनलाइन भरा जाएगा। इसके अलावा मेरे बच्चों, एक फिजिकल भी भरा जाएगा जिसका चालान वगैरह सबमिट होगा और वो TCS के थ्रू जाएगा। ठीक है जी। अभी की वीडियो में हम लोग मेरे बच्चों ऑनलाइन वाले के ऊपर बात कर लेते हैं। अच्छा बेटा, MBBS और BDS दोनों का तकरीबन सेम है फॉर्म, कोई फर्क नहीं है, कोई उसके अंदर इशू नहीं है। मैं आपको एक भर के दिखाऊंगा, दूसरा वाला बिल्कुल एज इट इज है, लेकिन आपको मेरे बच्चों दोनों भरने हैं। मेरा ये मशवरा है, आपका मेरिट नंबर भले ही बहुत अच्छा क्यों ना हो, आप बहुत बेहतरीन जो है ना वो, मतलब मेरिट नंबर बोल रहा हूँ, सॉरी, एग्रीगेट आपका बहुत ही अच्छा क्यों ना हो, आपका बेहतरीन टेस्ट स्कोर, बेहतरीन इंटर परसेंटेज क्यों ना हो, मगर बेटा फॉर द सेफ साइड आपने दोनों भरने हैं। और अगर आपकी बेटा 70 से अबव जो है वो एग्रीगेट हो रहा है, जो आपने रफ अपने पास कैलकुलेट किया है, तो अगर 70% से वो ज्यादा हो रहा है, तो मेरा ये मशवरा है कि लाजमी आप MBBS BDS दोनों के फॉर्म भरें। इस चीज को छोड़ दें कि प्रीवियस ईयर क्या हुआ था, मगर आपने भरना लाजमी है और दोनों भरने हैं फॉर द सेफ साइड। ऐसा नहीं है कि अगर बहुत बेहतरीन है तो बस मैंने MBBS भर दिया, नहीं, दोनों भरने हैं। जरा MBBS वाला फॉर्म मैं खोल देता हूँ, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे देखो ये आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। ये MBBS का फॉर्म है, इसको जरा स्किम कर लेते हैं, यानी कि ऊपर से देख लेते हैं, बहुत ही आसान सा फॉर्म है। और ये BDS का फॉर्म है, ये भी जो है वो काफी आसान सा फॉर्म है, इसके अंदर जो है वो कोई ऐसा चीज नहीं है जो कि मसला कौन हो या जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल सा आपका फॉर्म है। ठीक है जी। तो ये आपका मेरे बच्चों फॉर्म है। अच्छा बेटा, मैंने आप लोगों के लिए जो है वो पहले से ही एक फॉर्म फिल करके रखा हुआ है, जिस फॉर्म के अंदर मेरे बच्चों मैंने पहले से ही जो है वो काफी सारी बातें जो है वो फिल कर ली हैं। तो ये फॉर्म हम टाइम बचाने के लिए जरा इसको कंसिडर करते हैं। इसमें मैंने कुछ चीजें पहले से ही जो है वो फिल कर दी हैं ताकि आप लोगों को जो है वो, आप लोगों का टाइम बचे और आसानी हो समझने में। ठीक है जी। ये मेरे बच्चों हमारा फॉर्म है। सबसे पहले तो बेटा जरा आप तवज्जो दीजिएगा, मैं एक सेकंड इसकी जरा अलाइनमेंट कर लूं बेटा, एक सेकंड ये अलाइनमेंट कर लूं मैं, ताकि आप लोगों ना बिल्कुल वाजे हो स्क्रीन पर। फॉर्म के अंदर बारीक बीनियां होती हैं, कोई भी मसला हो गया, कोई भी इशू हो गया, तो फिर फजूल में जो है वो हमें प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, ये अब सेंटर हो गई है बिल्कुल स्क्रीन मेरे बच्चों। अच्छा तवज्जो से सुनिएगा, देखो MBBS और BDS में कोई फर्क नहीं है फॉर्म में, दोनों का एप्लीकेशन फॉर्म है, मगर ये बात याद रखिएगा दोनों भरने सेपरेट। ये मत सोच के बैठ लीजिएगा कि मैंने सिर्फ MBBS भर दिया तो BDS में भी ऑटोमेटिकली मैं आ गया, नहीं भाई, आपको दोनों भरने हैं, दोनों के दोनों हर हाल में भरने हैं। ठीक है, अब आ जाए मेरे बच्चों पर्सनल डिटेल में। सबसे पहली चीज है CNIC फॉर्म या बे फॉर्म नंबर। मेरे बच्चों, अगर आपके पास CNIC है तो बहुत अच्छी बात है, स्मार्ट कार्ड है तो वो भी सेम ही नंबर आगे कैरी ऑन होता है, जब आपका CNIC बनेगा तो वही नंबर आगे कन्वर्टेड होगा, तो सबसे पहले तो वो डाल देना है।
अच्छा मेरे बच्चों, इसमें कोई मिस्टेक नहीं करिएगा, देखिएगा ये मैंने यहाँ लिख दिया है, पर इसमें स्पेस नहीं दीजिएगा। अच्छा, इस पूरे फॉर्म में एक ब्लंडर ये है कि कहीं पर भी स्पेस नहीं देना। जहाँ आपने स्पेस दिया तो सबमिट करते वक्त प्रॉब्लम आएगा, और बच्चे हमें बता भी रहे हैं, उनको प्रॉब्लम मौसूल हो भी रहा है। तो ये आपने विदाउट एनी गैप और विदाउट एनी स्पेस अपना CNIC नंबर भरना है। अच्छा, दूसरी चीज़ मेरे बच्चों, अपना पासवर्ड डालना। अच्छा, पासवर्ड ये बात याद रखिएगा, डाल के भुलाना नहीं है, क्योंकि इसी पासवर्ड की मदद से आप अपना पोर्टल जो है वो दोबारा खोल पाएंगे, और फॉर्म में अगर कोई एडिटिंग करनी हो या इजाफी इंफॉर्मेशन डालनी हो तो आप डाल पाएंगे। तो पासवर्ड जो है वो नहीं भूलना। अच्छा बेटा, जैसे कोई भी ईमेल खोलते हैं तो उसके लिए पासवर्ड के साथ लॉगिन आईडी भी चाहिए होती है, तो आपकी लॉगिन आईडी बेसिकली आपका CNIC नंबर या बेफॉर्म नंबर होगा। अच्छा बेटा, लियारी मेडिकल कॉलेज के लिए जो है वो आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट डालना भी जरूरी है। लियारी मेडिकल कॉलेज में जो है वो कराची के कुछ हमारे टाउन्स हैं जिनके लिए स्पेसिफिक सीट है। अगर आप लियारी टाउन के अंदर रहते हैं या बिनकासन टाउन में रहते हैं, किमाड़ी टाउन में रहते हैं, तो गड़ाप टाउन में रहते हैं, तो इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लें। अब मैं चूंकि फॉर्म भर रहा हूँ, मैं जो है वो गुलशन इकबाल में रहता हूँ, कराची के ईस्ट में आता है, तो उसको मैंने रेस्ट ऑफ ऑल टाउन में जो है वो क्लिक कर दिया। अच्छा बेटा, अगली चीज है कैंडिडेट का CNIC या बे फॉर्म की डेट ऑफ इशू। मेरे बच्चों, जैसा मेरा CNIC है कि हर किसी के CNIC पे एंड में डेट ऑफ इशू लिखी हुई होती है, डेट ऑफ एक्सपायरी के ठीक बराबर में, तो मैंने जो है वो डेट ऑफ इशू रख दी है, ठीक है जी। एप्लीकेंट का नेम, अब एप्लीकेंट के नेम में मेरे बच्चों याद रखिएगा, मैंने भी कैपिटल में डाला है, आपने भी कैपिटल में डालना है, फादर नेम भी कैपिटल में डालना है, कैंडिडेट की ईमेल। अच्छा, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरते हुए कह रहे हैं सर ईमेल नहीं है। बेटा, कितना टाइम लगता है एक ईमेल बनाने में, सेकंडों में ईमेल बन जाएगी, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। अच्छा बेटा, एक चीज याद रखिएगा, ये जिनके आगे स्टेरिक लगा हुआ है ना, लाजमी लिखना, पता लगे आप ईमेल नहीं डालें फॉर्म सबमिट नहीं होगा, परेशानी का शिकार होंगे। तो ईमेल, अच्छा ईमेल मेरे बच्चों बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सी और स्ट्रेट फॉरवर्ड सी सिंपल सी डालिएगा। ये ईमेल सिर्फ इस फॉर्म में काम नहीं आएगी, ये आगे यूनिवर्सिटी के 5 साल भी आप लोगों को काम आएगी। सोफिस्टिकेटेड सी सुलझी भी जो है वो ईमेल बनाइएगा, उल्टी सीधी ईमेल नहीं बनाइएगा कि क्यूट प्रिंसेस या कूल बॉय वगैरह इस तरह के नाम का यूज नहीं करिएगा। डेट ऑफ बर्थ डालिएगा एज मेंशन इन योर CNIC। अच्छा, कोई भी चीज आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट ना करे, कोई ब्लंडर नहीं करिएगा। जेंडर मेल, मार्शल स्टेटस में शादीशुदा है तो मैरिड पे क्लिक कर दें, वरना सिंगल पे क्लिक कर दें। नेशनैलिटी पाकिस्तानी, रिलीजन बेटा इस्लाम डाल दिया मैंने यहाँ पे। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल में मेरे बच्चों कराची डाला, डिस्ट्रिक्ट ऑफ PRC में। अच्छा, ये दो चीजों के ऊपर बच्चे बहुत ज्यादा मुझे मैसेजेस करके तंग कर रहे हैं कि सर डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल में सिंध डालना है, PRC में कराची डालना है, क्या है, या मतलब कराची में स्पेसिफिकली मेंशन करना है कि मैं कराची के ईस्ट में। नहीं बेटा, डोमिसाइल PRC दोनों में अगर आप कराची के रहने वाले हैं तो चुपचाप से कराची डाल दें, कोई इसके अंदर और रद्दो बदल नहीं करना। पता लगे PRC में जाके कराची डाल रहे हैं या कुछ बच्चों को मिसगाइड हो रहे हैं थोड़े बहुत। नहीं बेटा, इसमें कोई भी जो है वो ब्लंडर नहीं करिएगा। मोबाइल नंबर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर जो हाजिर सर्विस है वो डाल दें, फोन नंबर डाल दें। मैंने यहाँ पे ऐसे ही जो है वो रैंडम एक फोन नंबर डाल दिया और मोबाइल नंबर डाल दिया। अच्छा बेटा, एक चीज बहुत जरूरी, ये देख रहे प्रेजेंट होम एड्रेस और परमानेंट होम एड्रेस, इसमें भी जरा कुछ चीजें मैं आपको क्लियर कर दूं। बेटा सबसे बात कर लेते हैं पहले परमानेंट होम एड्रेस में। ये जो परमानेंट होम एड्रेस है मेरे बच्चों, ये बात याद रखिएगा, ये आपने वो डालना है जो कि आपके CNIC पे मेंशन है। बच्चे परमानेंट होम एड्रेस में ब्लंडर कर देते हैं, उल्टे सीधे डाल देते हैं, मेरे बच्चों ये CNIC वाला डालना है या स्मार्ट कार्ड वाला डालना है, ये इधर उधर का मत डाल दीजिएगा। अच्छा, प्रेजेंट में कोई कैद नहीं है, प्रेजेंट जरूरी नहीं है कि CNIC वाला डालो, प्रेजेंट बस वो डाल दो जहां पर आप अभी रह रहे हो। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी को कोई डॉक्यूमेंट या DOHS वालों को कोई डॉक्यूमेंट आपको भिजवाना है, कोई भी मेल वेल भिजवानी है, कोई भी उनको जो है वो आपको चीज भिजवानी है, तो वो ऐसी जगह वो आपको प्रेजेंट होम एड्रेस पे भेजेंगे, परमानेंट पे नहीं भेजेंगे। तो प्रेजेंट में जो है ना वो लीनियंसी है, परमानेंट में लीनियंसी नहीं है। परमानेंट CNIC वाले डालने हैं, स्मार्ट कार्ड वाला डालना है। प्रेजेंट में बेटा ये बात आपने याद रखनी है कि वो डालें जहां पर आप अभी हैं, जरूरी नहीं है कि प्रेजेंट वही डालें जो कि CNIC पे लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है, लोग घर वर चेंज करते हैं जिनका रेंट वेंट का घर होता है, तो प्रेजेंट में रद्दो बदल हो सकता है। अभी मेरे बच्चों फादर या गार्डियन का CNIC नंबर। अच्छा मेरे बच्चों, ऐसे बच्चे के जिनके फादर जो है वो दुनिया में नहीं रहे, तो उसके लिए उनके डेथ सर्टिफिकेट वगैरह की कॉपी वगैरह भी लगेगी, वो जब मैं फिजिकल फॉर्म की एप्लीकेशन बताऊंगा तो उसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी। अच्छा मेरे बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे के फादर नहीं है, तो वो फिर मदर का जो है वो CNIC नंबर डालेगा और मदर का ही जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल डालेगा। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे बच्चों, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, वालदेन की आपस में सेपरेशन हो चुकी है, तो फिर जो है वो उसके भी लिए भी जो है वो कुछ फिजिकल जब फॉर्म भरेंगे तो मैं आपको बात बताऊंगा कि क्या चीजें जो है वो अटैच करनी है। फादर की अगर मौजूदगी में आपने फिर मदर के लिए जो है वो इन्फॉर्मेशन डालनी है गार्डियन में, ठीक है जी। हाफिज कुरान है तो उस पर लाजमी एस पे क्लिक करिएगा, उसके लिए कुछ ना कुछ मेरिट्स हैं, 20 मार्क्स का इजाफी जो है वो बोनस है।
डिसेबल्ड कैंडिडेट्स की बेटा यूनिवर्सिटीज में मुख्तलिफ सीट है, तो कोई डिसेबल कैंडिडेट है तो उस पे जो है वो यस पे क्लिक कर दे वरना नो पे क्लिक कर दे। डिसेबल्ड से मुराद है कि किसी भी किस्म की कोई माजूरी वगैरह हो। एमडी कैट सीट नंबर मैंने रैंडम डाल दिया क्योंकि मैंने तो टेस्ट नहीं दिया था, 1 2 3 4 5 डाल दिया मैंने, अपना स्कोर 180 डाल दिया। अच्छा, टेस्ट सेंटर दो थे, एक एनडी यूनिवर्सिटी में टेस्ट सेंटर था और एक ओझा डाओ में था, तो मैंने एनडी यूनिवर्सिटी वाला टेस्ट सेंटर का नाम डाल दिया एनडी यूनिवर्सिटी। पासिंग ईयर मेरा 2022 है, इस साल क्योंकि टेस्ट दिया मैंने। अच्छा, पर्टिकुलर ऑफ फादर में मेरे बच्चों फादर का फुल नेम डालना है, कैपिटल लेटर में, ऑक्यूपेशन में गवर्नमेंट ऑफिसर मैंने लिख दिया, आपके वाले साहब जो भी हो। अच्छा, ऑक्यूपेशन में फॉर एग्जाम्पल किसी का वाले साहब जो है वो बिजनेस करते हैं तो बिजनेस मैन डाल दें सिंपली। अब डेजिग्नेशन में आप डाल दें वो बिजनेस, अगर उनका अपना है तो सीईओ डाल दें, एक्स वाई जी जो भी उनकी डेजिग्नेशन है। डिपार्टमेंट में अपने पर्टिकुलर वाले साहब के ऑफिस का नाम डाल दें, मैंने यहाँ पे अपने वाले साहब की रैंडम इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल दी है, अपने पास से जो है वो नंबर वगैरह डाल दिए हैं, ठीक है जी। कॉन्टेक्ट इन एमरजेंसी में मेरे बच्चों उस शख्स का नंबर देना है जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप कॉल नहीं उठा रहे तो डीओएचएस वाले किसको कॉन्टेक्ट करें, आप और आपके वाले सब कॉल नहीं उठा रहे, तो मैंने अपने भाई का नंबर दे दिया। मैं भी आप लोगों को बोलूंगा कि अपने ब्रदर या किसी करीबी रिलेटिव का जो है वो नेम, रिलेशनशिप वगैरह तमाम इन्फोस की फिल कर दें, ठीक है जी। अब आ जाते हैं मेरे बच्चों अकेडमिक रिकॉर्ड में, तो सबसे पहले मेरे बच्चों स्कूल सिस्टम पे बात कर लेते हैं। मैंने एसएससी डाला है, कोई ओ लेवल वाला तो वो ओ लेवल डाले, सीट नंबर डाल देते हैं मेरे बच्चों, आई थिंक सो 3 डिजिट होता था वो, तो वो डाल देते हैं, ठीक है जी। मार्क्स ऑप्टेन जितने भी जो है वो मार्क्स ऑप्टेन किए हैं, लेट्स सपोज 750 किए हैं, ठीक है जी, और आउट ऑफ कितने किए हैं, टोटल आउट ऑफ 850 कर दिए हैं। नेम ऑफ बोर्ड में कराची बोर्ड, और पासिंग ईयर में मेरे बच्चों मैंने डाल दिया 2020, ठीक है जी, रैंडम डाला है मैंने अपने पास से, और आप लोग तो इसमें बिल्कुल एक्यूरेट। अच्छा, किसी का अगर बोर्ड कराची नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल फेडरल है, तो बाकायदा प्रॉपर फेडरल लिखेगा उधर कराची की जगह, जहाँ मैंने कराची लिखा है। और एक और बात ये कि फेडरल बोर्ड के टोटल आउट ऑफ मार्क्स भी अलग होंगे, मेरे ख्याल में 1100 है उनके यहाँ, 1050 है, तो फिर वही लिखेंगे। कराची बोर्ड वालों के 850 से होता है आई थिंक सो मैट्रिक के, तो मैंने 850 लिखा है, इस चीज का खासा ख्याल रखिएगा। पता लगे एज इट इज वीडियो में कॉपी पेस्टेड चल रहे हैं आप लोग, और आप लोग अपने फॉर्म को भरते हुए ब्लंडर ना कर दें। इंटर का पासिंग ईयर 2022 डाल देता हूँ मैं, ये मानते हुए कि मैं एक रेगुलर कैंडिडेट हूँ। इंटर का रोल नंबर भी रैंडमली डाल देता हूँ, 7895 61। इंटर कॉलेज है मेरा इंटर साइंस, अगर किसी का ए लेवल है तो ए लेवल डाल दे। नेम ऑफ बोर्ड में कराची बोर्ड डाल देते हैं, ठीक है जी। टोटल मार्क्स मैक्सिमम ज्यादातर जितने भी बोर्ड हमारे मुल्क में ऑपरेट हो रहे हैं उनमें 1100 ही है, कराची बोर्ड को ही मैं रेफर कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मैंने कराची बोर्ड के जो है वो 1100 का डाल दिया, ठीक है जी। मेरे मार्क्स आए लेट सपोज 930, ऐसे ही रैंडमली मैंने एंटर कर दिया 930, ठीक है जी। अब अल्लाह का नाम लेके उसको सबमिट करते हैं। अच्छा बेटा, जब ये सबमिट हो जाएगा तो आप ये देखेंगे कि ये एक नया आपके सामने खुल जाएगा, प्लीज अपलोड द पिक्चर। अच्छा बेटा, पिक्चर में मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं, उल्टी सीधी पिक्चर मत खिंचवाइएगा, चुपचाप से जो है ना वो फोटो लैब में जाइएगा, वहां पे अच्छी सी तस्वीर खिंचवाइएगा अपनी, और ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड दोनों में तस्वीर लग रहिएगा, आगे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन में देखें किसकी जरूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है आपके पास प्रोफेशनल होते जा रहे हैं मेरे बच्चों, अब आप लोग यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो ब्लू और व्हाइट बैकग्राउंड दोनों में जो है वो फोटो सॉफ्ट कॉपी में आपके मोबाइल में और लैपटॉप में सेव होनी चाहिए। अच्छा, पिक्चर की क्वालिटी 1 MB से नीचे होनी चाहिए, 1 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी पिक्चर का साइज 1 MB से ज्यादा का है तो उसको कंप्रेस कर लीजिएगा, ऑनलाइन कंप्रेस हो जाती है यार, ऑनलाइन ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद है, आप ऑनलाइन लिखिएगा साइज रिडक्शन, वो कंप्रेस हो जाएगी। अच्छा मेरे बच्चों, पिक्चर जो है वो जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए, पीएनजी में नहीं होनी चाहिए। अगर वो जेपीजी के अलावा किसी फॉर्मेट में, जैसे अमूमन पिक्चर्स बच्चे पीएनजी फॉर्मेट में लेकर आ जाते हैं पर वो डालते हैं वो होती नहीं है अपलोड, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा, जेपीजी में होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो उसको कन्वर्ट करें, ऑनलाइन हो जाती है, सिर्फ गूगल करना है आपने, सिंपल मसला हल हो जाएगा। ये मैं फाइल चूज कर लेता हूँ, मेरी पिक्चर कहाँ है, रुकिएगा जरा 1 सेकेंड, ये मैंने अपनी पिक्चर जो है वो अपलोड कर दी, आई होप सो ये अपलोड हो जाए, ये हो गई। अच्छा मेरे बच्चों, जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो ये आपको जो है वो खुशामदीद बोलेगा कि भाई वेरी गुड, हो गया सब कुछ। अब क्या करना है मेरे बच्चों, इसका एक स्नैपशॉट ले लेना है,
मैंने इसकी तस्वीर ले ली, आप बल्कि मैंने तस्वीर जो है वो ले ली, आप भी जो है वो इसकी तस्वीर ले लीजिएगा। अच्छा, यहाँ मरहला खत्म नहीं हुआ है, बच्चे अमूमन यहाँ पे आके रुक जाते हैं और वो समझते हैं कि मरहला खत्म हो चुका है। नहीं बेटा, अब आपने करना क्या है, अब आपने जो है वो दोबारा से जो है वो फॉर्म को खोलना है, ठीक है जी। यहां पर आके मेरे बच्चों आप लोगों ने दोबारा से जो है वो फॉर्म को खोलना है। ये इन्होंने जहां तक के मरहले तक तो कर लिया, अब आगे मेरे बच्चों हम लोग दोबारा फॉर्म को खोलेंगे। अच्छा बेटा, जब आप लोग दोबारा फॉर्म को खोलोगे तो ये इस तरीके से फॉर्म दोबारा खुल जाएगा। और फॉर्म को खोलने का तरीकाकार ये है कि आप लोगों ने, वैसे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है आपके पास आईडी पासवर्ड, अगर आप किसी और डिवाइस पे जाके खोलते हो। अच्छा, प्लीज काइंडली फॉर्म्स को कभी भी लैपटॉप के अलावा और पीसी के अलावा कहीं नहीं खोलिएगा, ना टैबलेट पे ना मोबाइल पे, हमेशा लैपटॉप पे या अपने पर्सनल कंप्यूटर पे, इसको मोबाइल वगैरह पे या टैबलेट पे नहीं खोलिएगा। अगर आप किसी और डिवाइस में खोलते हैं तो अपना सीएनआईसी नंबर और जो पासवर्ड डाला था ना, उसकी मदद से आप खोल लेंगे। फॉर्म दोबारा खुला है। अब इस फॉर्म में ना ग्लिच है एक, ये शुरुआत में ये डब्बे बने हुए नहीं आते जिनके अंदर आपको अपने केमिस्ट्री फिजिक्स बायो के मार्क्स डालने हैं, तो इस वजह से मैंने फॉर्म दोबारा खुलवाया। बाज बच्चे ये स्टेप बुला देते हैं, तो फॉर्म दोबारा खोलना है और इन डब्बों को भरना है। मैं इंडिविजुअली पार्ट वन में, यानी कि फर्स्ट ईयर में मेरे केमिस्ट्री में कितने मार्क्स थे ये मैंने लिख लिया, लेट सपोज 65 थे, फिजिक्स में भी 65 थे, बायो में भी 65 थे, प्रैक्टिकल में मैंने बोल दिया 15 15 15 थे, 15 मार्क्स का ही होता है गालिबन प्रैक्टिकल जहां तक मुझे याद है। इसी तरीके से सेकंड ईयर से, अच्छा एज इट इज मार्कशीट से देख के सही सही लिखिएगा, प्लीज कोई ब्लंडर नहीं करिएगा। 74 74 50 15 15 15 ये मैंने डाल दिया, खुद ही टोटल हो जाएगा। दोबारा से सबमिट पे क्लिक करिएगा, ये फिर आपसे पिक्चर मांगेगा, फिर से इसको पिक्चर दीजिएगा, ये आपने पिक्चर अपलोड की। अब मेरे बच्चों आप लोगों का फॉर्म मुकम्मल तौर पे कंप्लीट हुआ है। सो ये था मेरे बच्चों ऑनलाइन एप्लीकेशन एमबीबीएस प्रोग्राम के लिए। सेम यही प्रोसीजर आपको बीडीएस के लिए करना है, वही करेंगे भाई, बीडीएस वाला फॉर्म खुलेगा मेरे बच्चों, ठीक वही लंबी होगी, सब कुछ वही होगा, एज इट इज फॉर्म है। मगर 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 वंस आपने पूरा फॉर्म भर दिया, ये देखे ना ग्लिच है इसमें, डीयूएचएस की वेबसाइट में, मार्क्स ऑब्टेंड इन साइंस सब्जेक्ट्स इन इंटरमीडिएट स्लैश ए लेवल एग्जामिनेशन, ये डब्बा जो है वो वंस टाइम में नहीं खुलता। तो आपको करना ये होगा कि वंस आप जो है वो एक मरतबा पूरा फॉर्म भर लें तो दोबारा से फॉर्म खोलिएगा, वो आपसे आपका सीएनआईसी नंबर मांगेगा और वो जो पासवर्ड आपने डाला था, जैसे मैंने टाइम एंट्री 123 डाला था, तो वो आपसे पासवर्ड आपने डालना है, ये फॉर्म दोबारा खुलेगा। तो ये डब्बा जैसे अभी पहले मैंने भरा है ना, आपको भरना होगा, सबमिट कराना होगा, बीडीएस के फॉर्म में कोई इजाफी चीज नहीं है, ठीक है जी। उल्टा एक चीज कम है इसमें, आपसे डिस्ट्रिक्ट शायद नहीं पूछा हुआ, मुझे नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है जी। तो एज इट इज वही है, एमबीबीएस बीडीएस दोनों भरिएगा मेरे बच्चों, चाहे जितना अच्छा भी आपका मेरिट नंबर क्यों ना हो, सेफ साइड के लिए लाजमी भरिएगा, या कुछ भी हो जाए आपने लाजमी दोनों के दोनों फॉर्म्स को भरना है। मिलते हैं इंशाल्लाह मेरे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग इंशाल्लाह फिजिकल जो फॉर्म भरना है, जो कि हार्ड कॉपी में जमा करवाना है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, उसके ऊपर बात करेंगे। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों, फिया मान अल्लाह। अच्छा मेरे बच्चों, जाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कि फॉर्म भरने में कोई भी मसला हो तो मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें, मेरा नंबर है 03402028632, ठीक है जी। आप मुझसे लाजमी कांटेक्ट करें मेरे बच्चों, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो मुझसे लाजमी जो है वो रुजू करें। अल्लाह हाफिज मेरे बच्चों, फी अमानिल्लाह।